सरो मन सूर गुरु गोबिंद सिंह ना सरो मन सूर गुरु गोबिंद सिंह। जो असं सतगुरां दे गुणां नूं गायन करते हाँ तो साडा पाप सतगुरां दे गुणां दा अंत पाना जां उन्हां दी शख्सियत नूं पूरी तरह बयानना नहीं हुंदा सगों सतगुरां दे नाल अपनी प्रीत वाली गंढ नूं होर मजबूत करना हुंदा है। अज असीं उस महान शख्सियत दे गुण गाउण दा यतन कर रहे हाँ जिहड़े महान शहीद पिता दे पुत्तर, शहीद पुत्तरां दे पिता, शहीद मां दे पुत्तर ते खुद एक महान शहीद होए हन। कहण तों भाव दसवें गुरु नानक धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्हां बारे संसार दा वड्डे तों वड्डा इतिहासकार भी लिखण तों बिना रह नहीं सकिया। संसार दा प्रसिद्ध इतिहासकार अरविंद कोश लिखता है, वाकया ही जेकर कलगीधर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज इस संसार विच ना आउंदे अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब नूं कौम तों ना वाड़दे तां अज हिंदुस्तान दा की पूरे संसार दा नक्शा कुछ होर होना सी। क्या दशमेश पिता तेरी बात कहूं, क्या दशमेश पिता तेरी बात कहूं, जो तूने परोपकार किए इस तेग के बेटे तेग पकड़ दुखियों के काट जंजाल दिए एक खालस खालसा पंथ सजा जातों के भेद निकाल दिए इस मुल्क को वतन की खिदमत में कहीं बाप दिया तो कहीं लाल दिए इस मुल्क को वतन की खिदमत में कहीं बाप दिया तो कहीं लाल दिए। हक हक अगा गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहन शाह गुरु गोबिंद सिंह। PTC वेख रहे सारे दर्शकों नू साहिबे कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के आगमन पर्व दियाँ बहुत बहुत वधाइयां, बहुत बहुत मुबारक। गुरबाणी दे विच बड़ा सोहना फरमान है, धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का आगमन सन 1666 ईस्वी में पटने की धरती ते नौवें पातशाह पिता गुरु तेग बहादुर साहब माता गुजरी दे घर होया। आप जी के जन्म समय पिता गुरु तेग बहादुर साहब ढाके विखे गुरमत के प्रचार लिए पुजे हुए सन। 3 साल बाद गुरु पिता ने अपने पुत्र के पहली बार दीदार किए। पटने की धरती से ही बाल गोबिंद राय ने बचपन के ही अपने कोतका के नाल उतों की संगतान उतों की लकाई नू हैरान कर दिता। बचपन के ही तीर कमान के नाल फौजी टुकड़िया बना के खेडा खेडनिया। समा आया परिवार आनंदपुर साहब की पावन पवित्र धरती पर पहुँच गया जिथे कश्मीरी पंडित अपने धर्म की विरख्या के लिए फरियाद लैके पहुँचे। गुरु साहब ने अपने पुत्र के मूहों शहादत के बोल सुन के कश्मीरी पंडितों के धर्म की रक्षा लई अपना आप कुरबान करने लई आग दिता। पिता गुरु तेग बहादुर साहब तो बाद बाल गोबिंद राय ने गुरियाई की जिम्मेवारी संभाली। आपने संगतां दे विच जोश भरना आरंभ कर दिता। गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी तो बाद यह जरूरी हो गया कि फौजा तैयार करके हकूमत नाल टक्कर लई जावे। सिखां दे शस्त्र विद्या के अभ्यास नूं तेज किया। 52 कवि रख के वीर रस भरपूर सहित तैयार करवाया। समा आया सन 1680 ईस्वी दे विच एक वड्डा धौंसा तैयार करवाया गया जिसका नाम रणजीत नगारा रखिया गया। जदों नगारे की चोड़ पैंदी तां सिखां दे मनां विच वीर रस का हुलारा आ जाता। शस्त्र विद्या के नाल नाल राग विद्या का भी खास प्रबंध किया गया। गुरु जी आप कीर्तन करन दा बहुत शौक रखते सन। इन्ना ही नहीं वह ताउस दे नाल आप कीर्तन करया करते सन। आनंदपुर साहब की धरती ते वह समा भी आया सन 1699 की विसाखी वाला दिन जिस दिन हजारा की गिनती संगतां गुरु के दीदार लई पहुंचियां। गुरु साहब ने परे इकट्ठ विच 5 सिरां की मंग की। रब दियां पुगियां होईयां 5 आत्मावां दया धर्म हिम्मत मोकम अते साहब दे गुणां नाल भरपूर निडर हो के सामने आए अते गुरु साहब ने इन्हां नूं खंडे बाटे दी पौल अमृत छका के 5 प्यारियां दे रूप विच खालसा पंथ तैयार किया। इन्ना ही नहीं फिर आप उन्हां तों खंडे बाटे दी पौल लै के अमृत छकिया, गोबिंद राय तों गोबिंद सिंह बने।
आनंदपुर साहब दीआं रौणकां वेखण नूं मिलदीआं सन। सत्कारयोग मातावां चारे साहबजादे गुरु के प्यारे अते सिंघ बड़े चाह दे नाल गुरु साहब दीआं बख्शां दा आनंद माणदे। समां अपनी रफ्तार चलदा गया। आनंदपुर दीआं खुशियां अते रौणकां मुगलां अते पहाड़ी राजां नूं बर्दाश्त नहीं होईआं। सन 1700 तो मार्च 1704 तक आनंदपुर वड्डियां लड़ाइयां होईयां। अंत सन 1704 ईस्वी दे विच आनंदपुर दे विच मई दे महीने आखरी लड़ाई आरंभ होई। बहुत लंबा समा आनंदपुर नूं घेरा पाई रखिया मुगलां ने। किले दे अंदर रसद पानी सब कुछ खत्म हो गया। अखीर 20-21 दसंबर दी विचकारली रात नूं गुरु साहब ने बाकी सिखा समेत आनंदपुर दा किला छड़ दिता। उपरंत सरसा नदी पार करदे आ परिवार अते गुरु के अनेक प्यारे आपस विच विछड़ गए। गुरु साहब के दो वड्डे साहबजादे कुछ सिंघां दे नाल चमकौर साहब वल पुज गए। 22 दसंबर सन 1704 ईस्वी नूं चमकौर का महायुद्ध होया, जिस विच गुरु के प्यारे सिख अते दो वड्डे साहबजादे गुरु दीआं अखां दे सामने मुगलां दी फौज दा डट के मुकाबला करदे होए शहादत दा जाम पी गए। दूजे पासे छोटे साहबजादे अते माता जी भी सरहंद दी धरती ते पहुंच गए अते उत्थे उन्हां ने शहादत दा जाम पीता। कवि दे बड़े प्यारे बोल ने गुरु साहब दे मुख चों परमात्मा दे प्रति शुकराने दे बोल। जी हाँ, एक कलगीधर पातशाह दे बोल कवि ने गुरु साहब दे मुख चों निकवाए ने। लख वटिया तेरे दरों दाता, लख वटिया तेरे दरों दाता, विकरी हीरियां दी पूरे पा हो गई, माता पिता पुत्र लगे धर्म लेखे, एता तेरी अमानत सी अदा हो गई, एता तेरी अमानत सी अदा हो गई। समा आउन ते पंजा दे हुकम नूं मनदे होए गुरु साहब चमकौर विचों निकलन उपरंत वाछीवाड़ दे जंगलां विच टीम दा सराहना ला परमात्मा दे शुकराने दे गीत गाए। मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, तुझ बिन रोग रजाइयां दे उड्डन नाग निवासां दे रहना। उपरंत पड़ा दर पड़ा सफ़र करदे होए दीने कांगड़ पहुँच गए, जिथे गुरु साहब ने औरंगजेब दे वल फारसी दे विच इक चिट्ठी लिखी जिसनूं जफरनामा भाव जित दी चिट्ठी कहा जाता है। समा अपनी रफ्तार चलता गया। गुरु साहब साबो की तलवंडी दमदमा साहब विखे पहुँच गए, जिथे जाके गुरु साहब ने भाई मनी सिंह पासो साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बीड़ तैयार करवाई, जिस दे विच नौवें पातशाह पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी अंकित करवाई। अखीर गुरु साहब सन 1708 ईस्वी दे विच नदेड़ वल पहुँच गए, जिथे बंदा बहादुर नाल मिलाप होया। गुरु साहब ने उस नूं खंडे बाटे की पोल भाव अमृत छकाया, बंदा बहादुर तो बाबा बंदा सिंह बहादुर का खिताब दिता अते पंजाब वल भेज दिता। इत्थे ही बस नहीं, गुरु साहब ने अपनी जिंदगी का अहम कारज इत्थे ही मुकम्मल किया। संगत के भारी इकट्ठ विच गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मत्था टेकिया अते वचन किया, अज तो बाद श्री गुरु ग्रंथ साहब ही सिखां दे गुरु होणगे। अज भी ये बोल ने, आग्या पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे। असरो मन सूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मन सूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मन सूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मन सूर गुरु गोबिंद सिंह। कुर्बान जाइए कलगीधर पातशाह दे समुचे जीवन तो बड़े थोड़े समय दे विच ओह कारनामे कर विखाए जो रहिंदी दुनिया तक ना कोई कर सकता है ते ना ही कोई कर पावेगा। इंसाफ करे जमाना तो यकीन है, इंसाफ करे जमाना तो यकीन है, कह दे के गुरु गोबिंद का कोई सानी ही नहीं है, करतार की सौगंध वह नानक की कसम है, जितनी भी हो गोबिंद की तारीफ
वो कम है। करतार की सौगंध वह नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। गुरु की प्यारी सात संगत जीओ, इस एक निमाणा जिहा यतन कलगी तरपातशाह दे समुचे जीवन ते PTC दे अदारे वल्लों एक निमाणी जी चात आप सारे नूं एक बार फिर कलगी तरपातशाह साहिबे कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे आगमन पुरब दियां बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारकां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।